まあなんで。तो वेलकम टू माई चैनल जर्नी टू इमेजिनेशन में आज आप लोग के साथ माई क्रूअल माफिया हस्बैंड का लास्ट पार्ट लेके आई हूँ। तो इस पार्ट में इस स्टोरी का एक हैप्पी एंडिंग होगा, जैसा कि आप लोग ने कहा। मैं तो सोची कि एक स्टोरी सैड बनाऊं, बट आपकी विश मेरे लिए सबसे पहले थी, इसीलिए एक हैप्पी एंडिंग होगा। ठीक है, तो अभी ज्यादा बातें ना करते हुए स्टोरी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जिमिन हॉस्पिटलाइज्ड है और डॉक्टर जब उन्हें चेक करते हैं तो सुगा से कहते हैं कि सॉरी मिनियुंगी। इतना सुनते ही सुगा बहुत जोर जोर से रोने लगता है, डॉक्टर की पूरी बात नहीं सुनता है। तो डॉक्टर फिर से कहते हैं, मिस्टर किम संभालिए मिस्टर मीन को, हमारे डॉक्टर्स पूरे कोशिश कर रहे हैं मिसेस मीन को बचाने की। उस टाइम जाने के बाद डॉक्टर्स कहते हैं कि डोंट वरी मिस्टर मीन, मिस्टर किम 24 आवर्स के अंदर अगर मिसेस मीन को होश आ जाता है तो वो खतरे से बाहर होंगी, और अगर नहीं आता है तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। लकीली जिमिन को 24 आवर्स के अंदर होश आ जाता है, जिस वजह से जिमिन खतरे से खाली हो जाती है। नामजून और सुगा दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं एंड एक दूसरे को हक करते हैं। सुगा बहुत ज्यादा रो रहा था जिमिन के लिए। शानी के बाद सुगा जिमिन से मिलने के लिए जाता है। सुगा को देख जिमिन अपना फेस दूसरे तरफ टर्न कर लेता है, तो जिमिन के हाथ पकड़कर सुगा बैठता है जिमिन के पास और कहता है, जिमिन क्यों तुमने ऐसा स्टेप लिया? हाँ, तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा डर गया था? तुम्हें खोने के डर से मुझे अपने प्यार की, अपने फीलिंग्स की एहसास हुई। मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं नहीं जानता था ये क्या था, मैं बस तुमसे ऑब्सेस था, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारे ये सब से। बट मुझे आज रियलाइज़ हुआ कि मैं सिर्फ ऑब्सेस ही नहीं हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, अपने पूरे दिल से प्यार करता हूँ। जिमिन तुम ऐसा दोबारा कभी मत करना, अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरी जान चली जाएगी। मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता हूँ। जब तुम हॉस्पिटल में थे और डॉक्टर ने कहा कि अगर तुम्हें 24 आवर्स के अंदर होश नहीं आया तो तुम्हें बचाना बहुत मुश्किल हो जाता, मैं ये सुनते ही बहुत ज़्यादा डर गया था। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मानो मेरे बॉडी से ही आत्मा निकल के चली गई हो। दोबारा ऐसा कभी मत करना। आई रियली लव यू जिमिन, आई रियली रियली लव यू। मुझे एहसास ही नहीं था कि मैं कब तुमसे प्यार करने लग गया, लेकिन तुम गलती से भी ऐसे कदम मत उठाना। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। जिमिन बहुत ज़्यादा स्वीट काइंड हार्टेड था और साथ रहते रहते जिमिन को भी सुगा से प्यार हो गया था, पर वो सुगा के बिहेवियर और टॉर्चर को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने ऐसा डिप्रेशन में आकर ऐसी स्टेप लिया। बट अब सुगा के इस कन्फेशन से जिमिन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एंड सुगा की ओर देखते हुए कहता है, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ सुगा, बट तुम मेरे साथ ये सब करते थे इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। आई एम सॉरी मैंने ऐसा किया, बट प्रॉमिस करो कि तुम कभी भी मेरे मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करोगे, ना मेरे साथ बदतमीजी करोगे, ना मुझे टॉर्चर करोगे। प्रॉमिस करो मुझसे, तभी मैं तुम्हारे साथ घर वापस आऊँगा। सुगा जिमिन का हाथ पकड़ते हुए रोते हुए कहता है, आई प्रॉमिस यू, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा, लेकिन प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम एक लौती हो जिससे मैं इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ, जिसके लिए मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ। प्लीज़ तुम ऐसा कुछ भी मत करना जिससे मुझे हर्ट हो। आई लव यू जिमिना, जिमिन कहती है, आई लव यू टू माई क्यूटी पाई। एंड ऐसे ही दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है, पर जिमिन बहुत ज़्यादा वीक थी, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस की वजह से डॉक्टर ने उसे हॉस्पिटलाइज रखा था। एक महीने के बाद जिमिन को डिस्चार्ज मिल जाता है और जिमिन और सुगा दोनों घर वापस आते हैं। ये दिन बीतते जाते हैं और अब जिमिन पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। ये लोग मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तभी जिमिन का कॉल आता है। जिमिन कॉल पिक करके कहती है, हाँ यूं कहिए। तो नामजून रोते हुए कहता है कि जिनको लेपर पेन हो रहा है हम उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, प्लीज़ तुम भी आना, जल्दी आना। ऐसे बोल के वो कॉल कट कर देता है। सुगा कहता है, क्या हुआ? जिमिन कहती है, हमें जल्दी से हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, शायद जिन भाभी को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, शायद डिलीवरी का वक्त हो चुका है।
एंड उसके बाद ये लोग दोनों भी हॉस्पिटल जाते हैं। और नामजिन का एक क्यूट बेबी बॉय होता है और उसका नाम वो लोग आरजे रखते हैं। कुछ बहुत अच्छी तरीके से हो रहा था, सब बहुत हंस रहे थे। ये सब देख जिमिन कहती है, थैंक यू गॉड कि आपने मेरी फैमिली को एक अच्छी और हंसता खेलता फैमिली बनाया। तभी शुगा उसके पास आता है और कहता है, बेबी आई थिंक हमें अब घर चलना चाहिए। फिर नामजिन भी कहते हैं, हाँ तुम लोग घर जाओ। एंड उसके बाद ये लोग अपने घर आ जाते हैं। फ्रेशन अप होकर जब ये सोने जाते हैं तभी सुगा जिमिन के वेस्ट को पकड़ता है एंड कहता है, बेबी आई थिंक हमें भी बेबीज की प्रिपरेशन करनी चाहिए थी। तो जिमिन कहता है, क्या बोल रहे हो, मैं बॉय हूँ, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। तो सुगा जिमिन को टीज करते हुए कहता है, प्रोसेस तो हम कर ही सकते हैं ना। एंड जिमिन को अपनी ओर टर्न करके उसके लिप्स पे किस करना स्टार्ट करता है। ये किस बहुत पैशनेटली था और फुल ऑफ लव के साथ था, इसीलिए जिमिन इसको नहीं रोकता है। एक लॉन्ग किस के बाद जब जिमिन ब्रीथ आउट फील करने लगता है तो शुगा उसके लिप्स को धीरे धीरे छोड़ देता है एंड दोनों ही हैवी ब्रीथ लेने लगते हैं। पहली बार जिमिन ने शुगा की आंखों में प्यार देखा था लस्ट के बदले। जिमिन बहुत ज़्यादा खुश था कि अब उसे उसका प्यार और उसका एक फैमिली है जिसमें प्यार है, खुशी है, नफरत नहीं है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश था। फिर धीरे धीरे शुगा जिमिन के साथ लव मेकिंग करना स्टार्ट करता है। जिमिन के नेक पर पर्पल मार्क्स बना देता है और फिर धीरे धीरे उसके साथ इंटीमेट होना स्टार्ट करता है। ये सब वो बहुत जेंटल तरीके से कर रहा था जिस वजह से जिमिन को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है एंड उसे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फील होना शुरू होता है। वो बहुत ज़्यादा प्लेजर फील करती है। दोनों के बीच एक हॉट मेकआउट सेशन होता है। फिर जिमिन बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती है। आफ्टर 3 और 4 राउंड जिमिन बहुत ज़्यादा थक जाती है तो शुगा उसके फोरहेड पर, उसके चिक्स पर, उसके नोक्स पर क्यूट और छोटे छोटे किसेस करता है। जिमिन को बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। फिर शुगा जिमिन के फोरहेड पे किस करता है एंड रोते हुए कहता है, जिमिन प्लीज़ मुझे छोड़ के कभी मत जाना, तुम मेरी ऑब्सेशन हो, तुम मेरी लाइफ हो, तुम ही मेरी सब कुछ हो, कभी मुझे छोड़ के मत जाना, आई लव यू जिमिना। जिमिन शुगा को हक करती है एंड उसके नेक पर किस करके कहती है, आई लव यू टू माई शुगी बिल्लू। एंड उसके बाद दोनों एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब जिमिन उठती है और शुगा को पीसफुली सोते हुए देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे ही शुगा उठने वाला होता है जिमिन सोने का नाटक करती है तो शुगा कहता है, नाटक बंद करो, मुझे पता है तुम जगी हुई हो। शुगा की वॉइस से जिमिन अपनी आंखें खोलती है एंड शुगा के लिप्स पर किस करके कहती है, आई लव यू माई शुगी बिल्लू। शुगा भी उसे किस करके कहता है, आई लव यू टू माई बेबी बॉय। ऐसे ही इस स्टोरी की एक हैप्पी एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आर्मी। आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना और मैं आप लोग के साथ नामजिन स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। ये स्टोरी मैंने बना रखी है तो मैं कल नहीं तो परसों आप लोग के साथ ये स्टोरी को शेयर कर दूँगी, ठीक है। और कमेंट करना कि आप लोग को स्टोरी कैसी लगी, ठीक है। एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय सारंगे।